So Krishna is mostly known for his lyricism and hardcore tracks. और शायद मैं या फिर तुम सब भी जब भी कृष्णा को इमेजिन करते होगे किसी भी ट्रैक में तो बहुत चांसेस है कि वो एक एग्रेसिव ट्रैक होगा. पर अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि हार्डकोर के अलावा भी कृष्णा ने और भी डिफरेंट जॉनराज में ट्रैक बना रखे हैं एंड दे आर रियली गुड ट्रैक्स. ट्रैक्स लाइक फर्क नहीं पड़ता, नो लॉसेस, जानता क्यों, ना है टाइम एक्सेट्रा. और अभी मैंने तुम लोग को जितने भी ट्रैक्स के एग्जांपल दिए, दीज ऑल आर ट्रैप सॉन्ग. और रिसेंटली मैंने कृष्णा के ऊपर एक वीडियो बनाया जहां पे मैंने कृष्णा की जर्नी 2002 से 2023 तक की पूरी जर्नी कवर करी है. और अगर तुम वो वीडियो जाके चेक करोगे ना, तुम्हें वहां पे भी समझ में आएगा कि कृष्णा ने डिफरेंट जॉनराज एक्सप्लोर किए हैं अपने करियर में. बट फॉर द फर्स्ट टाइम कृष्णा हमें कोई सिंथ वेव ट्रैक में देखने को मिले हैं. सो कुछ दिन पहले ही दीप कालसी और कृष्णा का हमें नया सिंगल देखने को मिला फ्रॉम द एल्बम टनल विजन, जो कि दीप कालसी का एल्बम है. इस ट्रैक का नाम है पैसा ऑन माय माइंड. और जैसा मैं भी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था, कृष्णा इज नोन फॉर हिज हार्डकोर लिरिसिज्म, रेफरेंसेस, मेटाफोर्स, राइम स्कीम. बट सरप्राइजिंगली इस ट्रैक में वैसा तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा. यू विल सी अ वेरी डिफरेंट कृष्णा इन दिस ट्रैक. कृष्णा के साइड से इस ट्रैक में जो हमें लिरिसिज्म देखने को मिली है, जब ये ट्रैक मैंने पहली बार सुना था, आई वॉज लाइक, भाई कृष्णा ऐसा भी लिख सकते हैं. Okay, so straight away, let's start the review of this track, Pass On My Mind by Deep Kalsi and Krishna. तो ट्रैक को परफॉर्म किया है दीप कालसी और कृष्णा ने. मोस्टली वोकल कृष्णा के हैं, वीडियो में हमें दीप कालसी भी देखने को मिल जाएंगे. म्यूजिक प्रोड्यूस किया है दीप कालसी ने, लिरिक्स है कृष्णा के, मिक्स मास्टर किया है अशोक म्यूजिक ने, एंड आर्ट वर्क इज बाय द इंडियन डूडलर. सो ट्रैक स्टार्ट होता है सैड सी मेलेडी से और फिर हमें कृष्णा के वोकल सुनने को मिलते हैं. सुन यार, let me show you how it go. जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे जानते हैं लोग, हाँ देखे मेरा सैन. सो अगर हम यहाँ पे कृष्णा के वोकल्स पे ध्यान दें, तुम कुछ चीजें ऑब्जर्व करोगे. जैसे कि कृष्णा के वोकल्स में हमें ऑटो ट्यून देखने को मिल रहा है. मेलोडिक ट्रैक है, ऑटो ट्यून होगा, ऑब्वियस है. उसके साथ साथ कृष्णा ने यहाँ पे जो मेलोडिक फ्लो यूज करा है, स्टार्टिंग में मैंने कुछ कृष्णा के ट्रैप सॉन्ग के एग्जांपल दिए थे. अगर तुमने कृष्णा के ट्रैप सॉन्ग सुन रखे हैं ना, तो तुम्हें कुछ वैसा ही फ्लो यहाँ पे कृष्णा का नजर आएगा. बट एक चीज ने मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया कि कृष्णा ने लिरिक्स को बहुत ही ज्यादा बेसिक रखा है. मतलब अगर तुम कृष्णा को ट्रैप सॉन्ग या फिर थोड़े कमर्शियल गाने भी करते हुए देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुमने रोल अप सुना होगा बादशाह के साथ, तो वैसे ट्रैक में भी कृष्णा लिरिसिज्म को थोड़ा सा अप रखते हैं. बट यहाँ पे कृष्णा बहुत ही स्मूथली निकल गए और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये ट्रैक की डिमांड थी, ट्रैक का थीम यही था और कृष्णा ने जानबूझ के लिरिसिज्म को बहुत ही बेसिक रखा है इस पूरे ट्रैक में. सिर्फ इस वर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल अगर हम साउंड की बात करें, सुनने में ये जो पार्ट था, वर्स था, पहला वर्स, इट वॉज रियली गुड. सो स्टार्टिंग में हमें पहला वर्स सुनने को मिल जाता है. इसके बाद होता है बीट ड्रॉप. बीट ड्रॉप होते ही तुम्हें सिंथ वेव बीट पैटर्न सुनने को मिलेगा. सो करेंटली सिंथ वेव म्यूजिक है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है. लास्ट ईयर हमें बादशाह भाई के साइड से देखने को मिला था सिंथ वेव म्यूजिक. उसके बाद इस ईयर एपी ढिल्लो जैसे आर्टिस्ट या फिर करण औजला जैसे आर्टिस्ट सिंथ वेव पे बहुत ज्यादा गाना बना रहे हैं. दिस म्यूजिक इज क्वाइट पॉपुलर. एंड फाइनली कृष्णा का भी हमें एक सिंथ वेव ट्रैक देखने को मिल गया. शाउट आउट टू दीप काल से. अगर हम बात करें हुक पार्ट की, हुक पार्ट इज सिंपल बट इफेक्टिव. लाइक रहे पैसा ऑन माई पॉकेट, रहे पैसा ऑन माई माइंड, यही लिरिक्स है और इसी के अराउंड कृष्णा खेल रहे हैं. सिंपल है, इफेक्टिव हुक पार्ट. इसके बाद हमें सुनने को मिलता है ट्रैक का सेकंड वर्स. ओनली थिंग आई लाइक इज दिस मनी बेबी, तुझे क्या पसंद, मेरी राइड या ये घड़ी, मेरे लिए. सो अगर हम सेकंड वर्स के लिरिक्स में ध्यान दें, जैसे ट्रैक का टाइटल है पैसा ऑन माय माइंड, कृष्णा भाई थ्रू आउट द होल ट्रैक पैसे के बारे में ही बात कर रहे हैं, पैसे को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर एवरीवन. जैसे इस वर्स के स्टार्टिंग में कृष्णा बोलते हैं, ओनली थिंग आई लाइक इज द मनी, तुम्हें क्या है पसंद बेबी, राइड या फिर मेरी घड़ी. एंड देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट बिट्रेयल, कि जो कृष्णा के भाई बनते हैं वो कभी उनके भाई थे ही नहीं. मेरे लिए लाइफ इज फनी, आप भाई बने जो मेरे भाई थे ना कभी. एंड देन कृष्णा टॉक्स अबाउट द पास्ट सिचुएशन, कि कैसे पास्ट में तुम एटीट्यूड दिखाती थी, मुझे भाव नहीं देती थी, बट अब जब मेरे पास वेरीफाइड टिक आ गया है तो मुझे भाव मिलने लग गए हैं और ये सब हुआ है पैसे की वजह से. अगेन कृष्णा हियर प्रायोरिटाइजिंग मनी. एंड देन कम्स अ पार्ट जहां पे थोड़ा कंपोजिशन चेंज होता है एंड कृष्णा देन अगेन टॉक्स अबाउट मनी. भाई इसमें पैसों की बात हो रही है, ठीक है. कृष्णा टॉक्स अबाउट मनी, वो बोलते कि
सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, डॉलर, रुपया, यही सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे पास ये होगा तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, इवन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर जो तुम्हारे साथ बंदी है वो भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। बोले सबसे बड़ी चीज है ये दौलत, ये शौहरत, ये रुपया, ये डॉलर विल मेक योर गर्ल हॉलर, शी कॉल अप माय। और इसके बाद हमें सुनने को मिलता है ब्रिज पार्ट, आई थिंक यही सेम ब्रिज पार्ट हमें फर्स्ट वर्स में भी सुनने को मिला था, सेम लिरिक्स यहाँ पे भी आती है, बट इस बार दिस इज एक्टिंग एज ए ब्रिज जो कि हुक को फिर जाके करेक्ट कर देती है। और इसके बाद फिर हमें ट्रैक का लास्ट वर्स सुनने को मिलता है। I've been seeing changes around me, जाने पहचाने कम आप strangers around me, हर पर। और अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दें, स्ट्रेट अवे कृष्णा ये बोलते हैं कि आई एम सीइंग चेंजेस अराउंड मी, जाने पहचाने लोग अब मेरे आमने सामने कम, मेरे अगल बगल में कम रह रहे हैं, अब मैं स्ट्रेंजर्स को अपने अगल बगल में ज्यादा पाता हूँ। एंड देन कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, कृष्णा बोलते हैं कि पार्टी में वही गिनी चुनी लड़कियां ही, सेम लड़कियां ही मेरे आजू बाजू रहती है। एंड देन कृष्णा सेज कि कंधे पे बैठा सैतान, नो एंजल्स अराउंड मी, हर पार्टी पे वो सेम गर्ल्स अराउंड मी, कंधे पे बैठा सैतान, नो एंजल्स अराउंड मी। So, अगर तुम इस ट्रैक को डीपली सुनोगे या फिर अगर तुम इस ट्रैक को बहुत ही अच्छे से लिरिक्स समझ के सुनोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि ये ट्रैक सिर्फ फ्लिक्स रैप नहीं है या फिर सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं हो रही जैसा मैं पहले बोल रहा था। कहीं कहीं कृष्णा सरप्राइजिंगली थोड़ी डार्क बातें या फिर डीप बातें करके भी निकल जा रहे हैं इस ट्रैक में। और इसके बाद इसी वर्स में कुछ बार के बाद थोड़ा सा और फ्लो स्विच होता है, कंपोजिशन स्विच होता है, एंड आई लाइक दिस पार्ट, मजा आया सुनने में। In my dreams, eight pens, two Rolexes or teen fake friends. Soon, yaar, let me show you. और इसके बाद जैसे वर्स का एंड आता है, एंडिंग में अगेन हमें कुछ फ्लिक्स बार सुनने को मिलते हैं, एंड देन देयर अगेन अ ब्रिज, और अगेन फिर ब्रिज के साथ हुक को कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। Okay, so this was it. ये हम लोगों ने ट्रैक को कर लिया वॉक थ्रू, अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू में, स्टार्ट करते हैं पहले म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो दीप कालसी की अगर म्यूजिक की बात करें, यू ऑलरेडी नो दीप कालसी इज रियली गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, और पास्ट में भी उन्होंने मुझे तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, चाहे वो प्रॉपर हिप हॉप बीट हो, चाहे वो ट्रैप बीट हो, या फिर वो सिंथवेव म्यूजिक हो। ठीक है, सिंथवेव के साथ मैंने दीप कालसी को पहली बार सुना है, एंड ही डिड जस्टिस टू दिस genre as well. मुझे मजा आया सुनके, he did good job and I like the music. बस अब हम आ जाते हैं कृष्णा पे। देखो कृष्णा को ना उनके वर्सेटाइलिटी के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि भाई कृष्णा सिर्फ डिस करते रहते हैं, पोक करते हैं, और डिस्ट्रैक के अलावा वो कुछ और दूसरा कर नहीं सकते, बाकी अच्छे ट्रैक दे नहीं सकते। एंड दिस सॉन्ग इज द परफेक्ट रिप्लाई फॉर दोज पीपल जो ऐसी बातें करते हैं कि भाई देखो ऐसे गाने भी कृष्णा बना सकते हैं। इस ट्रैक में हमें कृष्णा के साइड से सिंपल लिरिसिज्म देखने को मिला, बेसिक हुक स्टाइल बट कैची एंड इफेक्टिव। उसके साथ साथ कृष्णा का जो फ्लो या फिर डिलीवरी स्टाइल था पूरे ट्रैक में वो बहुत ही स्मूथ था, ज्यादा अननेसेसरी का फ्लो स्विचेस नहीं ऐड कर रखा है कृष्णा ने, और जितना रिक्वायर्ड था ट्रैक में वही सब चीजें डाली है। और ये एक बहुत ही डिफरेंट ट्रैक है, शायद ये ऐसा ट्रैक है ना जो कृष्णा के हार्डकोर फैंस हैं उनको पसंद नहीं आए, बट जो कृष्णा के दोनों साइड को देख चुके हैं ना, ट्रैप साइड को एंड इवन हार्डकोर साइड को, और जो कृष्णा के थोड़ी वर्सेटाइल म्यूजिक के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए ये ट्रैक भाई मतलब उनको मजा आ जाएगा सुन के, कुल मिला के ऐसी बात है। मुझे ट्रैक बहुत ही अच्छा लगा, और मैं देखना चाहता था कृष्णा को ऐसे टाइप की म्यूजिक करते हुए, एंड फाइनली कृष्णा डिड इट एंड ही किल्ड इट, मजा आ गया सुन के, आई लिटरली लव्ड द ट्रैक। Okay, so this was it. This was the review. अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और हाँ रिसेंटली ही मैंने ग्राफी और अकेडमी के साथ मिलकर म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है। अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके तुम कोर्स बाई कर सकते हो, और इस कोर्स में तुम्हें 14 डेज मनी बैक गारंटी मिलेगी। 14 दिन के अंदर अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि तुम इस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम अपने पैसे वापस ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, अगर तुम्हें लगता है तुम कोर्स बाय कर सकते हो तो प्लीज बाय द कोर्स। उसके अलावा टी शर्ट बाय कर सकते हो दिस साइड चेन से। एंड यस, दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।